जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जिसकी गलियों में कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में नहीं बल्कि स्वप्नलोक में अपने सपनों के भारत का दर्शन कर रहे हों। चारों ओर हरियाली, साफ सुथरी सड़कें, पक्के मकान, एक ऐसा गांव जिसे देश को हिलाकर रख देने वाली मंदी छू भी ना सकी। ये भारत का ऐसा गांव है जहां से कोई भी व्यक्ति रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर बाहर नहीं जाता। यहां खुद का संसद है, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। बापू के सपनों के इस गांव का नाम है हिवरे बाजार। ये एक आदर्श गांव है। हिवरे बाजार गांव सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा है। 977 हेक्टेयर में फैला है गांव। जिधर भी नजर जाएगी उधर हरे भरे पेड़ दिखेंगे, चाहे पहाड़ी हो या फिर सड़कों के किनारे, हर तरफ हरियाली। खेतों में लहलहाती फसलें, खिले फूल, पानी से लबालब भरे तालाब, हंसते मुस्कुराते चेहरे, हिवरे बाजार की ये आज की तस्वीर है। मगर 20 साल पहले गांव की तस्वीर कुछ और ही थी। साल 1990 के आसपास गांव में ना तो हरियाली थी और ना ही खेतों में फसलें। जमीन बंजर थी, फसलों का नामो निशान नहीं, चेहरे उदास थे, मुंह में शराब की बोतल थी। गांव में रहने को कोई तैयार नहीं था। काम की तलाश में शहर की तरफ गांव वालों के कदम मुड़ चुके थे। देखा बचपन में बहुत अच्छा गांव था, सरफेस वाटर यूज करते थे लोग, सारे प्रकार के आम हो, बेर हो, जामुन हो, कस्टर्ड एप्पल हो, सीजन आ गए तो खाने को मिलते थे। लेकिन बाद में पूरा जंगल साफ कर दिया लोगों ने, पूरा ग्राउंड वाटर जो था खराब कर दिया, और इसके कारण बहुत पूरी परेशानी गांव में आ गई। जहाँ घर घर में दूध बनता था वहाँ घर घर में शराब बननी शुरू हो गई, एक शराब की बोतल में लड़की की शादी बननी शुरू हो गई। सवाल है कि आखिर 20 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हिवरे बाजार का नाम देश ही नहीं बल्कि सात समंदर पार के लोगों की जुबान पर भी चढ़ गया। इस सवाल का जवाब है, साल 1989 में गांव के कुछ पढ़े लिखे युवकों ने हिवरे बाजार की दशा और दिशा सुधारने की ठानी। युवकों ने गांव के बुजुर्गों से कहा एक साल के लिए गांव के सारे फैसले उन्हें लेने का अधिकार सौंप दें। थोड़े विरोध के बाद उन नौजवानों को अधिकार दे दिए गए। एक साल के अंदर गांव के हालात में सुधार आ गया। फिर अगले 5 साल के लिए भी गांव को उन जोशीले युवाओं के हवाले कर दिया गया। पोपट राव पवार को गांव का निर्विरोध सरपंच चुना गया और फिर हिवरे बाजार गांव की तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। अपने बदहाल गांव को एक आदर्श गांव बनाने में गांव वाले जी जान से जुट गए। गांव में नया दौर आ चुका था। एक दूसरे का हाथ थामकर हिवरे बाजार गांव के विकास की पटकथा लिखने लगे। साल 1990 में पुणे से एमकॉम की पढ़ाई करने के बाद पोपट राव पवार को हिवरे बाजार लौटने के लिए राजी किया गया था। अपने गांव की भलाई के लिए पवार ने शहर के अपने संभावित करियर को भी छोड़ दिया। उनके नेतृत्व में गांव वालों ने एक योजना तैयार की। ये योजना प्राथमिकताओं के आधार पर बनाई गई। योजना में शिक्षा, जल प्रबंधन, रोजगार और स्वास्थ्य को प्रमुखता दी गई। पहले 5 सूत्र थे, अभी 7 सूत्र है। चराई बंदी, कुल्हाड़ बंदी, नस बंदी, नशा बंदी, यानी परिवार नियोजन, लोकल लीकर प्रिपरेशन, ड्रिंकिंग बन, ओपन डेफिकेशन प्री विलेज यानी निर्मल ग्राम बनना चाहिए, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, ये भी होना चाहिए। तो आज गांव की सारी परेशानी दूर हो गई। इसकी शुरुआत स्कूल से लेके हो गई।
बेहतर शिक्षा से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। हिवरे बाजार के लोगों ने भी गांव के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका को समझा। गांव के बड़े बुजुर्गों से अपील की गई कि वो अपनी बंजर जमीन स्कूल खोलने के लिए दान दें। उस वक्त स्कूल में ना तो ढंग की चार दीवारी थी और ना ही बच्चों के खेलने के लिए मैदान। गांव के दो परिवारों ने इस नेक काम के लिए अपनी जमीन दी और श्रमदान से दो कमरों का निर्माण किया गया। एक समय यहाँ के शिक्षक पढ़ाने की जगह शराब के नशे में धुत रहते थे, मगर आज यहाँ शिक्षकों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। स्कूल में मैं जब पढ़ता था तब खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, सिर्फ स्कूल में पढ़ने का और पढ़ने के साथ जो सुविधाएं थी वो भी कम थी, लेकिन आज स्कूल में मैं खुद टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ। कक्षा शुरू होने से करीब एक घंटे पहले छात्र स्कूल पहुँच जाते हैं। बच्चे खुद अपने विद्यालय की साफ सफाई करते हैं। हम सबसे पहले पाठशाला में आते हैं। पाठशाला में आकर हम सब खुद पाठशाला की सफाई करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आदर्श गांव में पढ़ता हूँ। हमारे शिक्षक भी हमें अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हमारा गांव एक आदर्श गांव है। इसी आदर्श गांव में पढ़ना एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है। आज इस छोटी सी बच्ची का जन्मदिन है। शिक्षक और छात्र मिलकर इसका जन्मदिन मना रहे हैं। बच्चों का संपूर्ण विकास हो, इसलिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे मौकों पर पूरा गांव इकट्ठा होता है। गांव वाले जानते हैं कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास 6 वर्ष की उम्र में होता है, इसलिए इनका मानना है कि आंगनवाड़ी बेहतर होनी चाहिए। पूरे देश में आंगनवाड़ियों का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हिवरे बाजार की आंगनवाड़ी की बात ही अलग है। यहाँ के आंगनवाड़ी में इन प्यारे प्यारे बच्चों की अच्छी तरह देखभाल की जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि जब इन बच्चों की जिम्मेदारी उन पर है तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों कतराएं? इस आंगनवाड़ी को केंद्र सरकार से सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी का पुरस्कार मिला है। गांव में पहले सिर्फ 4th कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी, मगर आज यहाँ हाई स्कूल है। आसपास के सभी बड़े स्कूलों में से सबसे अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है। हिवरे बाजार के आसपास से ही नहीं बल्कि दूर दराज के दूसरे गांव से भी बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। इस युवक ने प्राथमिक और हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव में की है और आज ये कॉलेज जा रहा है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं इस गांव से नगर को न्यूज कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता हूँ। यहाँ प्राइमरी स्कूल में भी अच्छी शिक्षा मिलती है और यहीं से आगे जाके न्यूज कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो यहाँ के सभी बच्चे अभी ग्रेजुएट हो गए। मिनिमम शिक्षा यहाँ की ग्रेजुएशन है। शिक्षा की ही तरह गांव में कृषि की दशा को सुधारने की दिशा में कई नए फैसले लिए गए। कृषि का सीधा वास्ता जल, जंगल और जमीन से होता है, लिहाजा सबसे पहले जल प्रबंधन का फैसला किया गया। तय किया गया कि गांव में उन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी जिनके लिए कम पानी लगता है। यहाँ कीली यानी कि बनाना और गन्ने पे यहाँ बयान है, क्योंकि और वो जो करना है वो ड्रिप पे करते हैं हम लोग। ये फ्लो से जो पानी दिया जाता है वो उस फ्लो से नहीं बनाते, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी लगता है। गांव में भूमिगत जल का स्तर उस समय काफ़ी नीचे था, लेकिन गांव वालों के सामूहिक प्रयास से साल 1995 से गांव में आदर्श गांव योजना के तहत जल संचय के लिए कई छोटे छोटे बांध बनाए गए, कुएं खोदे गए। साल 1991 में हिवरे बाजार गांव में कुओं की संख्या सिर्फ 57 थी, आज यह आंकड़ा 284 तक पहुंच चुका है। साथ ही जल पंडाल विकास पर जोर दिया गया। जल पंडाल विकास का अर्थ उन कुछ उपायों से है जिनके जरिए बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाया जाता है। कोई जल पंडाल एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिससे होकर पानी एक जगह तक पहुंचता है। प्राकृतिक रूप से बारिश के थोड़े ही समय बाद जल पंडाल फिर से सूख जाते हैं।
जल पंडाल कार्यक्रम पहाड़ी इलाके में सबसे अच्छे ढंग से लागू किए जाते हैं, लिहाजा पानी को सूखने से बचाने के लिए हिवरे बाजार के इन पहाड़ियों में जगह जगह खाइयां बनाई ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए और उसके बहने की रफ्तार कम की जाए। जल पंडाल कार्यक्रम के तहत पहाड़ियों पर घास वाली जमीन का विकास किया गया, 4 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए। नतीजा ये हुआ कि गांव का जल स्तर बढ़कर 10 फीट तक आ गया। बेहतर जल संरक्षण के लिए हिवरे बाजार गांव को साल 2007 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हमको गांव में पानी कम था, वो वाटर शेड का जो काम हुआ है इसके बारे में हमारे गांव में पानी से वो ज्यादा आए इधर से। जल का संरक्षण हुआ तो हिवरे बाजार की बंजर जमीन उपजाऊ मिट्टी में बदल गई, खेतों में हल चलने लगे, किसान खेती में जुट गए, फसलें लहलहाने लगी। पानी जो आ गया है इसकी वजह से हमारे गांव में बहुत खुशहाली आ गई है, खेती भी अच्छी हो रही है, पानी की कोई समस्या नहीं। इसकी वजह से सब फैमिलीज वगैरह सब एकदम खुशहाल, मतलब गांव ही पूरा खुशहाल बन गया है। हिवरे बाजार के किसान पहले केवल खरीफ के मौसम में फसल की बुआई कर पाते थे और रबी की फसल के तहत बाजरा उगाते थे, लेकिन अब ये कहीं ज्यादा मौसम में फसल उगाते हैं। इसका एक ही कारण, मार्च और अप्रैल में कोई उगाता नहीं फसल, कोई सब्जियां नहीं, कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल रेस्ट लेते हैं किसान, कोए को भी रेस्ट और किसान भी रेस्ट, छुट्टी पे जाते हैं। और अप्रैल एंड और मई फर्स्ट वीक में ड्रिप और स्प्रिंकलर यूज करके वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर उगाते और इसका फायदा है जून जुलाई अगस्त के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और प्लानिंग परफेक्ट होने के कारण आज देखो प्याज की 6,000 रुपीज तक रेट मिल गए, 3.5 करोड़ का प्याज बेचा लोगों ने 200 मिलीमीटर बारिश में। ये चमत्कार नहीं है, ये तो प्रयास है लोगों का। पारंपरिक ज्वार और बाजरा के बजाय प्याज, आलू और टमाटर जैसी नकदी फसलों को उगाते हैं, साथ ही बागवानी भी करते हैं। जयेश ने अपने खेत में अनार लगाया है, अपनी पत्नी के साथ ये अनार की देखभाल करता है। मेरे यहाँ अनार की बाग है और मैं इस पे अच्छी तरह से देखभाल करके एक बरस में 2.5 लाख तक उत्पन्न निकलता है उसका। अच्छी खेती होने लगी तो हिवरे बाजार के किसानों ने दूध उत्पादन पर ध्यान दिया। साल 1991 में दूध देने वाले मवेशियों की संख्या महज 100 थी, लेकिन आज ये संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। हिवरे बाजार के हर घर में आज गाय या भैंस है। कुछ किसानों ने तो सिर्फ दूध उत्पादन को ही अपना मुख्य पेशा बना लिया है। हमारे एक गाय था पहला, हमारे 2-4 गाय लाया, वो 7 से 8 सौ रोज हमारे दिवस दिन वो गाय का 7 से 8 सौ रुपये का मिलता है, वो महीने का 20-22 हज़ार होता है। वो हमारे 2 लड़के हो गए, वो धंधे के पास हमारे टीचर बन गए। वो दूध उत्पादन 100 लीटर प्रतिदिन से 4000 लीटर तक पहुंच गया है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गांव में दूध डेयरी खोली गई। हमारी ये दूध संस्था है, ये मुंबा देवी सहकारी दूध उत्पादक संस्था इस नाम से चलती है। तो इस गांव में एक आदर्श पुरस्कार मिला है, वो उपद्रव पवार है, वो नाम का आदमी है, उसने गांव का नाम बहुत बड़ा कर दिया है। ये सब मिलके गांव वाले एक जगह पे ही दूध घालते हैं। हिवरे बाजार गांव स्वास्थ्य के नजरिए से भी दूसरे गांव से बेहतर है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार की पूरी सुविधा है। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। गांव के सभी लोग परिवार नियोजन को अपनाते हैं, साथ ही यहां कोई भी लिंग जांच नहीं करवाता, लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है। हिवरे बाजार में लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक हैं। ज्यादा जगह लड़कियों की ये संख्या कम हो रही है, मतलब स्त्री भ्रूण हत्या ज्यादा चल रही है, लेकिन हमारे गांव में
अभी इधर लड़के कम है, लड़की 6 है और लड़कियां 12 है, दुप्पट संख्या है, इसलिए हमारे इधर लड़कियां ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव के लोग स्वस्थ हैं, कोई भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है। यहाँ ना तो किसी को डेंगू होता है और ना ही किसी को मलेरिया, क्योंकि इस गांव में एक भी मच्छर नहीं है। घर घर में टॉयलेट्स है, 100% टॉयलेट यूज करते, एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो, ये हमारा नारा है गांव का। हिवरे बाजार में बीमारी नहीं फैलने की वजह है कि गांव में साफ सफाई का ख्याल हर गाँव वाला रखता है। यहाँ कचरा इधर उधर नहीं फेंका जाता, बल्कि कूड़ेदान में ही डाला जाता है, वो भी कचरे की प्रकृति के हिसाब से। हमारे गांव ने एक सुविधा किया है कि जगह जगह पे चौक चौक में अंदर जो है ना कि डिब्बे के ऐसे कचरे जो है ना फिट किए गए हैं, जिसके अंदर हमने 2 डिब्बे रखे गए हैं, एक सूखा कचरे का और एक जो है ना गीला कचरे का, यानी हरे कचरा, जो गली के अंदर जो घर में सब्जियाँ वगैरह काटते हैं तो उसका जो बचा हुआ कचरा जो है ना एक डब्बे में डाला जाता है, और बाकी साफ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उसका दूसरे इसमें डालते हैं। अगर कोई कचरा कूड़ेदान में नहीं डालता है, स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित रहता है या फिर अस्पताल का कोई कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं करता है, तो उसे ग्राम संसद में जवाब देना पड़ता है। जी हाँ, हिवरे बाजार गाँव में सबसे अलग व्यवस्था ये है, यहाँ एक ग्राम संसद है। ग्राम संसद का भवन दिल्ली के संसद भवन की तरह ही बनाया गया है। ग्राम संसद के बाहर सभा आयोजित की जाती है, संसद भवन की तरह अंदर नहीं। इस संसद में गांव विकास के लिए पर्याप्त धनराशि और उनके खर्च का ब्यौरा पारदर्शी रूप से लिखा जाता है, जिसे कोई भी देख सकता है, यानी ये गांव किसी भी प्रकार के धन घोटाले से पूरी तरह आजाद है। गांव में राशन समय पर मिलता है, राशन कब दिया जाएगा इसकी घोषणा की जाती है। राशन सबसे पहले प्रत्येक कार्ड धारी को दिया जाता है, अगर उसके बाद भी राशन बच जाता है तो ग्राम सभा तय करती है कि इसका क्या करना है। हिवरे बाजार गांव में रहने वाले सभी लोग अपने गांव से बेहद प्यार करते हैं, बच्चे हों या फिर महिलाएं, सभी को अपने गांव पर गर्व है। महिलाएं यहां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। खेत से लेकर खलियान तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। सबसे खास बात ये कि यहां घर पर मालिकाना हक महिलाओं के नाम है। मकान पे हमारा महिलाई का भी नाम लिखा जाता है, लिखा है, और पानी भी हम पानी का भी सब कुछ हम महिला ही करते हैं। ये है सुनीता शंकर पवार, हिवरे बाजार गांव की सरपंच। आरक्षित सीट होने के कारण पोपट राव पवार की जगह सुनीता को निर्विरोध सरपंच चुना गया। पोपट राव पवार उप सरपंच है। सरपंच बनने के बाद भी सुनीता अपने मवेशियों की देखभाल खुद करती हैं। हमारे गांव में लड़कियां हैं और लड़कियां के ज़्यादा देखभाल करती हूँ, लड़कियां के कराटे का प्रशिक्षण देता हूँ। आज हिवरे बाजार गांव को करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। जहां पहले गांव वाले झोपड़ियों में रहते थे, अब उनके पास अपना बंगला है, गाड़ी है। गाड़ी लाया वो ट्रैक्टर पहला लाया था, वो कार्पियो गाड़ी में घुमाते, एकटा एक एक भाड़ा बेड़ा नहीं करते। हमारे बहुत बंगला छबान रहे, मैंने एक कार्पियो गाड़ी लाया 9 लाख की। हिवरे बाजार के विकास से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि अधिकतर परिवारों को इससे फायदा पहुंचा है। साल 1991 में इस गांव में बीपीएल परिवारों की संख्या 168 थी, मगर आज गाँव में केवल 3 बीपीएल परिवार है। 5 परिवार ऐसे थे उनको पूरे साल भर की फूड सिक्योरिटी की गारंटी थी, अभी तो 100% गारंटी। अभी 22 लैंडलेस थे, अभी 6 लैंडलेस बचे, सब बीपीएल थे, अभी 3 बीपीएल बने। प्रयास है हमारा कि पॉवर्टी हटानी, भूख हटानी और कुपोषण हटाना है। हिवरे बाजार गांव में उत्सवों को भी विकास से जोड़ा गया है।
महाराष्ट्र में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हिवड़े बाजार गांव में भी गणपति की स्थापना की जाती है, मगर उत्सव के नाम पर फिजूल खर्ची नहीं की जाती। यहाँ एक गांव एक गणपति का सिद्धांत है। ये आदर्श गांव में ये सार्वजनिक गणपति उत्सव पिछले 18 साल से हम मना रहे और इसको जो हमने जोड़ दी है वो डेवलपमेंट की जोड़ दी है। चले कि आज गांव में वही त्यौहार, सब छोटे बच्चे हो बुजुर्ग हो सब लोग इस मूवमेंट में शामिल होते हैं। इस गांव की एकता और सद्भावना की दूसरी बड़ी मिसाल है कि यहां रहने वाले एक लौते मुस्लिम परिवार के लिए भी मस्जिद है। ये परिवार सालों से इस गांव में रहता है। नमाज अता करने के साथ साथ ये परिवार भजन भी गाता है। खाना जो होता है खाता है पीता है, ये गांव में रहता है, किसका झगड़ा नहीं किसका कुछ नहीं। तुम्हारा नमाज भी पढ़ता है, भजन गाते है, इसे भजन भी गाता है। हिवरे बाजार गांव दूसरे गांव वालों के लिए आदर्श बन चुका है। लोग इस गांव को देखने दूर दूर से आने लगे हैं। ये युवक यहाँ ये देखने और समझने आए हैं कि कैसे हिवरे बाजार गांव की कायाकल्प हुई। ये चाहते हैं कि उनका गांव भी तरक्की की राह पर चले। पोपट राव पवार के अलावा गांव के दूसरे लोग भी इन्हें वो राज बता रहे हैं जिसकी वजह से हिवरे बाजार गांव विकास के शिखर को छू पाया है। योजना और पैसों से गांव आदर्श नहीं बनते, लेकिन वो योजना और वो पैसा जिनके लिए खर्चे होना है उनका उस योजना की तरफ देखना, ये सरकारी है या हमारे लिए है। अगर हमारे लिए है, अगर इसी सोच से काम करेंगे तो हिवरे बाजार में आदर्श बनने के लिए 30 साल लग गए। आप 5 साल में भी यहाँ जो हुआ इसे 4 गुना कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले संगठित होके करना है। आज रोजगार की खातिर युवा गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, मगर हिवरे बाजार से कोई भी शहर की तरफ नहीं जाता। सभी गांव में रहना चाहते हैं, यहां मंदी का असर नहीं है। शहर जाकर भी दूसरों के हाथ के नीचे काम करना पड़ता है, तो ये हमारा है इसलिए हम भी करते हैं। इसका दबाव नहीं होता इस पर कि ये करो वो करो, काम पे भी हो हमारे तो हम जैसे करना चाहते हैं वैसे ही होता है ना काम। यहां शराब और तंबाकू पर पाबंदी है और कोई भी खुले में शौच करता नहीं दिखाई देता। हर घर में शौचालय है, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी स्वच्छ शौचालय है। आलिशान गेस्ट हाउस है। शाम ढलते ही स्ट्रीट लाइट खुद ब खुद जल उठती है। यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। इस गांव ने वो कर दिखाया कि कैसे पर्यावरण के नजरिए से बर्बाद हो चुका एक इलाका चहल पहल भरा बाजार बन सकता है। आज हिवरे बाजार गांव की तरक्की को पूरा देश सलाम कर रहा है। आज ये गांव एक स्टेट नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अभी सबके सामने आ गया कि हिवरे बाजार एक मॉडल गाँव बन गया, सेल्फ सफिशियंट गाँव बन गया। अब इसके कारण अभी फंड्स और जो भी अवार्ड्स है वो अभी हमारे पीछे चलते हैं। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अवार्ड मिल गया, नेशनल फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड मिल गया, नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिल गया, निर्मल ग्राम अवार्ड मिल गया, महाराष्ट्र स्टेट का एग्री गोल्ड अवार्ड मिल गया, बेस्ट आइडियल विलेज एंड बेस्ट एनजीओ इन महाराष्ट्र स्टेट ये भी अवार्ड मिल गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बहुत सारे इतने अवार्ड से अभी वो आप पीछे देख रहे हैं कि उनकी तो गिनती करना ही अभी हमारे कंट्रोल के आगे चला गया। भारत के गांव को लेकर महात्मा गांधी का एक सपना था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, साफ सुंदर और सपनों की कल्पना जैसा गांव। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले का हिवरे बाजार गांव ठीक वैसा ही एक गांव है। अगर अगले 10 साल में भारत के करीब 6.5 लाख गांवों में से सिर्फ आधे गांव हिवरे बाजार की तरह आत्मनिर्भर हो जाए तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। अगर समाज के हर तबके तक विकास की रोशनी पहुंचानी है तो हिवरे बाजार गांव एक आदर्श मिसाल है।